Assalamualaikum dear student, today we are gonna start to take the overview of basics of computer 1 month in MC College. इस basic course में हम professionalism को touch करते हैं और जो detailed theory होती है उसे हम avoid करते हैं. तो कोशिश होती है कि foreign student practical job के लिए तैयार हो. First of all, we will study about hardware. Hardware में हम input devices, output, processing devices, I/O devices and supporting devices को study करेंगे. After that, we will start learning about Windows. Windows में हम start करेंगे working of mouse से. Mouse क्या होता है, कैसे working करता है, clicks क्या होते हैं. After that, we will study about designing package in Windows, MS Paint. MS Paint एक डिज़ाइनिंग पैकेज है. जो हाईएस्ट डिज़ाइनिंग पैकेजेस हैं उनका इंट्रो इसमें हो जाता है. उसके बाद हम आएंगे कीबोर्ड की वर्किंग के ऊपर कि कीबोर्ड कैसे वर्क करता है. फिर हम सीखेंगे टाइपिंग और टाइपिंग में स्किल्स कैसे हासिल की जाती हैं और टाइपिंग किस तरह की जाती है, ये सब कुछ हम यहाँ पर कंसल्ट करेंगे इन टॉपिक्स में. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट Our word pad, the intro to documentation in computer, editing of text क्या होती है, formation of text क्या होती है, इस तरह की चीज़ों को हम study करेंगे. उसके बाद हम desktop के background की changing की तरफ आएंगे and about screen savers and about arrange icons. After that we will start learning about start icon customization. Then we will learn about turn off computer, log off and about calculator. उसके बाद हम address book को study करेंगे data keeping के लिए, databasing के लिए इस्तेमाल होती है. Media files क्या होती हैं, media player का program कैसे इस्तेमाल होता है, ये समझेंगे हम. उसके बाद हम आएंगे startup folders की तरफ, schedule tasks की तरफ, file किस तरह बनाई जाती है computer पे, इस चीज़ को हम समझेंगे. कैसे फोल्डर बनते हैं, कैसे फोल्डर्स रिमूव होते हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे. शॉर्टकट्स क्या होते हैं, शॉर्टकट्स किस तरह बनाए जाते हैं, इनका मकसद क्या है. उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. सेटिंग्स को स्टडी करेंगे कंट्रोल पैनल में और कंट्रोल पैनल में हम माउस को, अपीरियंस को, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को, डेट एंड टाइम को चेंज करने को डिटेल में स्टडी करेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट रन डायलॉग बॉक्स. सर्चिंग के बारे में देखेंगे कि सर्चिंग कितनी तरह की होती है, सर्चिंग कैसे करते हैं. टास्क बार के बारे में मालूमात हासिल करेंगे हम, स्विचिंग कैसे करते हैं. माय कंप्यूटर में ड्राइव्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल और सेक्शंस किस तरह से होती हैं यूजिंग शिफ्ट एंड कंट्रोल कीज़. विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है, फाइल्स किस तरह जो है वो क्विकली आप मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अक्रॉस द ड्राइव्स. रिसाइकल बिन के बारे में हम स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट कस्टमाइजेशन ऑफ स्टार्ट मेन्यू पर बात होगी कि कैसे अपनी मर्जी से हम स्टार्ट मेन्यू को मैनेज करते हैं. And in last we will study about task bar customization कि किस तरह से टास्क बार को मर्जी से हम अपनी मैनेज कर लेते हैं. इसके बाद हम स्टडी करेंगे शॉर्टकट कीज़ को. शॉर्टकट कीज़ स्पीड वर्क के लिए यूज़ होती हैं. विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी हैं, लोगों की क्या रोल प्ले करती है, लोगों की के बारे में स्टडी करेंगे. ये हमारा एक ओवरव्यू होगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का. इसके बाद आपने टेस्ट में अपीयर होना है, वहाँ पे आपकी 10 स्पीड टाइपिंग की मस्ट होनी चाहिए. उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी और टेस्ट होगा. ये बेसिक कोर्स तमाम कंप्यूटर के कोर्सेज की बुनियाद है, फंडामेंटल है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स इस तरह के होते हैं कि जिसमें जस्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है. इस कोर्स में मैक्सिमम कोशिश की गई है थ्योरी से अवॉइड करने की और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर फोकस किया गया है. तो ये आपका एमसी कॉलेज में होने वाला बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स है.